शायस्ता जी ये जो आपने 11 साल मॉर्निंग शो किया व्हाट वाज योर ग्रेटेस्ट लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम ओके फ्रेंकली आई थिंक अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए अच्छा नहीं करनी चाहिए टीवी पे आपको टीवी की ऑडियंस देख रही होती है उनके उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है उनके उनके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नीज होती हैं लाइफ की वो आपको डिफरेंटली कंसीव करते हैं वो आपको डिफरेंटली uh, परसीव uh, कर रहे होते हैं एक्चुअली लेकिन uh, जब आप अपने आप अपने तरीके से शायद बहुत ऑनेस्ट होने की कोशिश में आप जो होते हैं आपको होता है कि बस मैं हूँ जो वो बिल्कुल उस तरह से दिखा दूँ दुनिया को uh, कभी कभी ज़्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं होता यू फॉर सोशल मीडिया हम लोग सोशल मीडिया पे भी अपनी नुमाइश करते हैं सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि टी की जो ऑडियंस है वो फिर भी एक ही लिमिट करती थी ना चाहे आप कोई भी चैनल पर जाएँ लेकिन सोशल मीडिया तो आपको पूरी दुनिया देख रही है हुँ. और वो मुख्तलिफ़ तरीके के लोग हैं वो कुछ भी किसी भी उनके पास तो लाइसेंस है बिकॉज एक दफ़ा आप सोशल मीडिया पे हैं तो फिर तो हैं आप। आपने अपनी कोई चीज़ होल्ड नहीं की हुई आपने अपनी चीज़ कोई छुपाई हुई नहीं है तो फिर तो वो जो उनका फर्ज बनता है उनके मुताबिक कि वो तो जो भी कुछ नास्तिक कुछ भी कहना चाहें आपके बारे में कह सकते हैं आप की एसोसिएशन विद टेलीविजन एंड द ऑडियंस आईड से 2001 से है मेरी याद में यस प्रोबली 2002 2001 2002 से ऑलमोस्ट 20 इयर्स यस yes. इन योर ट्वेंटी इन योर करियर ऑफ ट्वेंटी रेडियो और ये करी थी अगर आप रेडियो भी करी थी तो आपकी लिस्नर से ऑडियंस है उनसे थी मीडिया so के मीडिया सारे सारे की मीडिया की जो uh, कह रहे हैं जो टारगेट ऑडियंस है बीस yes. सालों में ऑडियंस में कोई फर्क आये

मुझे लगता है हम बहुत ओपन होने की आ, आ, बहुत ओपन होने की कोशिश में हम लोगों को हर्ट कर जाते हैं hmm. हम हम कोई बार नहीं रखते कोई कंट्रोल नहीं रखते ना अपनी ज़बान पे ना अपने कलम पर पैड पे नहीं रखते कोई बार हम कुछ भी लिख सकते हैं किस तरह से भी लिख सकते हैं हमें यह एहसास नहीं होता कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मैं आपके बारे में जो कुछ जिस तरह से कहना चाहूँ वो कह दूं उसके बाद एक दफा चीज निकल गई हाथ से तो वो तो, तो निकल गई right? yes, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल, और 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 आपको और ये इस फायर में anybody can be caught in this fire. आपको, hmm. आपको अंदाजा है जिसमें हम रहे हैं या रहे थे और अब जितनी तेज़ी से वो आग बढ़ रही है वो आग सिर्फ हमारे अपनो यू नो कि मेंटल ट्रॉमा है आपको नहीं लगता आज आ, हमारी आ, जो साइकोलॉजी है वो बात करती है चाइल्ड हुड की आपको नहीं लगता कि ये एक इतना अब्यूज़व रिलेशन बन गया है एक आर्टिस्ट का ऑडियंस के साथ कि आर्टिस्ट भी गुस्से में आके कुछ भी कह सकता है टैलेंट भी कुछ कह सकता है और वो भी कुछ भी तो अगर वो आपको उस वक्त नहीं हिट कर रहा बट वो इट रिमेन्स देर एंड इट विल हिट यू एनी टाइम इन लाइफ बट ये ये चीज़ इसमें कैसे तब्दीली आएगी आ सकती है आपकी नज़र में आ, लोग अगर काइंड हो जाएं, लोग अगर लोग अगर बोलने से और लिखने से पहले ये सोचें भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं क्यों ना बोलें हम आप पब्लिक प्रॉपर्टी होने का ये मतलब थोड़ी है नॉट इवन फॉर अस हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी भाई जो मेरा रोल है एज अ होस्ट एज एन आर्टिस्ट कोई मैं ड्रामा कर रही करी हूं, आप उसके ऊपर बात करें ना आपको कोई राइट नहीं है उस तरह से हाँ ये देखने का राइट है या ये हम क्या पहन रहे हैं क्या उससे इन, इंस्पिरेशन लेने का बस ठीक है हुँ. इतना बहुत आपके फैशन इंस्पो के लिए तो ठीक है लेकिन <laughs> इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए अच्छा